दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा फ्री फायर गेम अगर अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कैसे अपने फ्री फायर मैक्स गेम को अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो और फ्री फायर मैक्स गेम को कैसे अपने स्टार्ट कर सकते हो। गैस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा। और गैस सबसे पहले आपको बुलेटस्टेक को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर अपने बुलेटस्टेक डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में बताऊंगा बुलेटस्टेक कैसे डाउनलोड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बुलेटस्टेक के अंदर हम लोग प्ले स्टोर हम लोग को मिल जाता है तो प्ले स्टोर में हम लोग लॉग इन करेंगे और प्ले स्टोर पर लॉग इन करने के बाद हम लोग को फ्री फायर मैक्स गेम जो कि प्ले स्टोर के अंदर हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। और बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो उस वीडियो में भी बोला था, तो फिर से मैं और एक बार इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग को किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है। ब्राउजर पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा bluestack.com। bluestack जैसे हम लोग तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे तो bluestack का जो साइट है सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये जो bluestack है सबसे पहले आपको bluestack में क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो है bluestack 10 और एक है बुलेटस्टेक 5। तो गाइस बुलेटस्टेक जो 5 है बुलेटस्टेक 5 में हम लोग क्लिक करेंगे। और दोस्तों बुलेटस्टेक 5 में क्लिक करते ही यहाँ पर बुलेटस्टेक 5 यहाँ पर डाउनलोड हो जाना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से सबसे पहले बुलेटस्टेक जो 5 है मैं यहाँ से ओपन में क्लिक करूंगा। और दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर ओपन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ईएस वाला ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पर ईएस में क्लिक कर दूंगा और इसी पेज को मैं सिंपली यहाँ से कट कर दूंगा। अभी दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल लिख के आ रहा है तो सिंपली हम यहाँ पर जो इंस्टॉल नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। और गाइस इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं यहाँ पर बुलेटस्टेक जो कि डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली इंस्टॉल भी कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस है ना बहुत ही आसान। और दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाता है और गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है प्ले स्टोर। और सिंपली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर प्ले स्टोर में विजिट करना है और प्ले स्टोर के अंदर हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो कि अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल आईडी है तो जीमेल आईडी पासवर्ड देकर आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आप न्यू अकाउंट में क्रिएट करके न्यू अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर जीमेल आईडी और पासवर्ड देकर मेरा जो अकाउंट है ओपन कर लेता हूँ। जो भी मेरा फ्री फायर के आईडी है वही आईडी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, प्ले स्टोर में लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे लॉगिन करते ही यहाँ पर कुछ आई एग्री ऐसा कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, तो सिंपली मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ और यहाँ पर फटाफट प्ले स्टोर जो कि ओपन हो जाता है। और गाइस सिंपली यहाँ पर जैसे प्ले स्टोर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन हमें हम लोग को देखने को मिलता है, सर्च ऑप्शन में हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे फ्री फायर मैक्स। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्री फायर जो कि सर्च किया हो तो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया हूँ। तो दोस्तों देखा कितना आसानी से मैंने यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। तो गाइस इसके बाद कैसे आपको स्टार्ट करना है फ्री फायर गेम को वो मैं आपको आगे का वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके बुलेटस्टेक डाउनलोड नहीं हो रहा है तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसान से अपने बुलेटस्टेक को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके फ्री फायर गेम को डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर लॉग इन कर लीजिए, उसके बाद काफ़ी आसान से आप देखेंगे कि अपने फ्री फायर मैक्स गेम अपने प्ले स्टोर से भी आप काफ़ी आसान से डाउनलोड भी कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो कि फ्री फायर मैक्स गेम यहाँ पर प्ले का ऑप्शन दे दिया है, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से बैक कर दूंगा, यहाँ से मैं ओपन नहीं करूँगा, तो यहाँ से टोटली मैं प्ले स्टोर से बैक कर देता हूँ। यहाँ से जो भी फ्री फायर मैक्स गेम है यहाँ से मैं ओपन करूंगा, ठीक है। और गाइस सिंपली जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया हूँ तो फ्री फायर मैक्स गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर आपके फ्री फायर मैक्स गेम ऐसे ही ओपन प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए था कितना आसानी से मेरा फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। अगर यहाँ पर कुछ परमिशन मांगता है मैं यहाँ पर फटाफट परमिशन दे देता हूँ फाइल्स वगैरह का। तो गाइस इसके बाद सिंपली जो स्क्रीन है कीबोर्ड का F11 वाला बटन को दबा के आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। F11 वाला बटन को दबा के आप फुल स्क्रीन और फिर से छोटा स्क्रीन आप कर सकते हो, ठीक है, जो कि F11 कीबोर्ड का F11 बटन को। ओके गाइस बहुत सारे फ्रेंड लोगों को पता भी है गाइस, अगर आपको पता है, अगर नहीं था तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना गाइस। तो गाइस फिलहाल फ्री फायर मैक्स गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है और स्टार्ट भी मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ। अभी दोस्तों जैसे यहाँ पर जो भी लॉग इन प्रोसेस है, फेसबुक से भी आप लॉगिन कर सकते हो, गोस्ट अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो, गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर जो मोर ऑप्शन है मोर ऑप्शन से यहाँ पर लॉगिन करूँगा दोस्तों। और गाइस मैं यहाँ पर मोर ऑप्शन में क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर जो गूगल ऑप्शन है गूगल ऑप्शन में क्लिक करके सिंपली हमारा जो भी जीमेल आईडी है वही जीमेल आईडी से मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसान से अगर आपके फ्री फायर मैक्स गेम आपके पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिटेल में आपको दिखाया। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मेरे को तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर बीच में कहीं पे भी अगर आपको अटक जा रहा है, अगर आपके प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है और बुलेटस्टेक काम नहीं कर रहा है या तो फेसबुक काम नहीं कर रहा है या तो जिसमें लॉगिन कर वो अगर काम नहीं कर रहा है, तो जो भी अगर आपके प्रॉब्लम जहाँ पर अटका जा रहा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। हो सके कि उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना सकता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टार्ट गुरु, आप चाहे तो वहाँ
पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइनिंग कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसान से अपने फ्री फायर मैक्स गेम की अगर अपने डाउनलोड प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मतलब यहाँ पर कोई भी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस अगर आपके कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरह से अगर अपना कीजिए बहुत ही आसान से अपने फ्री फायर मैक्स गेम अपने पीसी लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा और फ्री फायर मैक्स गेम यहाँ पर स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे दोस्तों मेरे केस में भी आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही आसान से मैंने फ्री फायर मैक्स गेम को डाउनलोड भी किया हूँ और स्टार्ट भी कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं काफ़ी आसान से यहाँ पर गेम प्ले भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आएंगे, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके सारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जब भी नया वीडियो अपलोड चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।